आइए बात करें नए युवा अधिवक्ताओं के लिए और उन अधिवक्ताओं के लिए जिन्होंने या तो विधि व्यवसाय अपना लिया है, अन्यथा जो विधि स्नातक का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आज हम बताएंगे आपको कि प्रार्थना पत्र, विभिन्न प्रार्थना पत्र कैसे लिखे जाने चाहिए। ड्राफ्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड ऑफ कोर्स ऑन क्रिमिनल साइड, क्योंकि मैं फौजदारी का वकालत कर रहा हूँ 47 साल से, तो सबसे पहले तो जो जरूरत पड़ती है हम लोगों को, नए अधिवक्ताओं को, वो दो चीज होती हैं। एक तो न्यायालय में अभियुक्त को पेश करना, जिसे आत्मसमर्पण कहते हैं, और दूसरा जमानत के प्रार्थना पत्र लिखना। जमानत दो तरह के मुकदमे में ली जाती है, एक तो जमानती अपराध हो जहां हमारा अधिकार है, हमारा हक है जमानत पाने का, और दूसरा होता है नॉन वेबल ऑफेंसेस, जिसमें हमारा अधिकार नहीं है और न्यायालयों के भी अधिकार कहीं ना कहीं जाकर अत्यंत सीमित हो जाते हैं। देखिए, आत्मसमर्पण की जहां तक सरेंडर एप्लीकेशन की बात है, उसमें सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि प्रार्थना पत्र के ऊपर पहले तो टिकट लगता है, उसके नीचे थोड़े मोटे अक्षरों में लिखा जा सकता है न्यायालय, जो भी न्यायालय हो, न्यायिक दंडाधिकारी, उसकी कक्ष संख्या और फिर जिला, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज। समानता इन जगह ही एप्लीकेशन रखती है, लेकिन स्पेशल एक्ट के केसेस में, स्पेशल कोर्ट में बिल एप्लीकेशन रखती है, उसमें लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ हम लोग ऊपर लिखते हैं बिफोर दी स्पेशल सेशन जज, जैसे एंटी करप्शन एक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, या शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट, एससी एसटी एक्ट जैसे कहते हैं समानता, अथवा ईसी एक्ट, अथवा गैंगस्टर एक्ट, जो भी स्पेशल कोर्ट हो, पॉक्स एक्ट हो, एंड चिल्ड्रन कोर्ट भी बन गए आजकल, जो जुवेनाइल्स के लिए पॉक्स कोर्ट होते हैं, एक्यूज के लिए वो चिल्ड्रन कोर्ट कहते हैं, उसके बाद बल्कि सब इससे ऊपर हमको लिखना पड़ेगा क्रिमिनल मिसलिनियस सरेंडर एप्लीकेशन या बेल एप्लीकेशन, जगह छोड़ के वर्ष जैसे 2022 वो लिखेंगे। फिर जिस अभियुक्त की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसका नाम, उसकी उम्र, उसके पिताजी का नाम, उसका पता, उसका उस निवास का पुलिस स्टेशन और जिला लिखते हैं, बनाम सरकार लिखते हैं, और एससी एसटी का केस हो या और जहां ये अपेक्षित है कि वादी को सूचना दी जाएगी या वादी को सूचना दी जाएगी, वहां पे दूसरी पार्टी वो बनती है जो उसमें वादी या वादी है। फिर हम लोग उसके नीचे लिखा करते हैं धाराएं क्या क्या है, धारा का ज्ञान आपको हो जाएगा एफआईआर पढ़ कर। फिर लिखते हैं थाना कौन 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 सा है, और फिर लिखते हैं मुकदमा अपराध संख्या, फिर जिला। इस तरह से हम लोग आत्मसमर्पण सरेंडर एप्लीकेशन भी शुरू करते हैं, इसी तरह से हम लोग बेल एप्लीकेशन में शुरू करते हैं। तो सरेंडर पे तो हम लोग यही लिखते हैं, खाली हिंदी में यह है कि अभी प्रार्थी को ज्ञात हुआ है
कि उपरोक्त वाद में पुलिस थाना फलाफला को प्रार्थी की तलाश है। प्रार्थी न्यायालय में स्वतः आत्मसमर्पण करना चाहता है। प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित है, अतः शिवाजी से प्रार्थना के प्रार्थी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की कृपया की जाए। नीचे नाम प्रार्थी और नीचे द्वारा अधिवक्ता नामा जाता है, उसमें आधार कार्ड लगाना पड़ता है क्यों उसका, और वकील को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर COP नंबर लिखना पड़ता है। उस पर फिर माननीय न्यायालय अगर FIR कोर्ट में उपलब्ध हो, सरकारी वकील से रिपोर्ट मांगती हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब बच्चे क्लैट के भी आ रहे हैं। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेरठ और एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेरठ और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेरठ और सेशंस जज मेरठ, ऊपर उस पहले लिखे देंगे क्रिमिनल मिसलीडियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन फला फला, जो भी 436 की है, 437 की है, 438 की है, 439 की है या 167A की है, सेंटर की है, ओब्लिक ईयर, उसके बाद लिखेंगे जो हमारा जिसको सरेंडर करना है, हिज नेम विल कम देयर, हिज फादर्स नेम विल कम देयर, हिज एड्रेस विल कम देयर, फॉलोड बाई द पुलिस स्टेशन ऑफ हिज हैबिटेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट वर्सेज ऑफकोर्स स्टेट ऑफ UP एंड द नेम ऑफ कंप्लेनेंट मेल और फीमेल एंड देन अंडर सेक्शन देन पुलिस स्टेशन देन डिस्ट्रिक्ट। The application should be in this format that the accused has come, that the applicant has come to understand that he is wanted in the above mentioned case by the police or police station such and such, that the accused applicant is present and ready and prepared or ready to surrender before this honorable court. It is therefore great that in exercise of its power under section 167A CRPC as applicable in UP, the applicant be taken into custody. Then the name of the applicant shall come, followed by through counsel. The name of the counsel, his registration number, his address, his phone and mobile number, and his COP number. इसी तरह से हम लोग बेल एप्लीकेशन लिखते हैं। अगर जमानती अपराध है तो ऊपर हमने वही लिख दिया, न्यायालय का नाम, विविध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 436 होगी, फिर न्यायालय का नाम, कक्ष संख्या, अभियुक्त का नाम। हाँ, एक बात और, अगर अभियुक्त हिरासत में होगा, अगर 438 में नहीं है तो ऊपर लिखा जाएगा अभियुक्त हिरासत में फला फला तारीख से। फिर उसके वजीयत पिताजी का नाम, उसके निवास स्थान, उसका थाना, उसकी आयु और जिला लिखा जाएगा, और बनाम जैसे बताया है सरकार, और जहाँ जिस कानून में, विशेष कानून में वादी या वादी को नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, तो वादी और वादी का नाम भी आना चाहिए। और मैं तो समानतः पुलिस स्टेशन के SHO को भी पार्टी बनाता हूँ। फिर अंतर्गत धारा, उसके बाद थाना, मुकदमा अपराध संख्या, जिला, और बहुत छोटी सी प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। श्रीमान जी प्रार्थी निवेदन करता है या कि प्रार्थी उपरोक्त वाद में न्यायिक अभिरक्षा में है या पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, यह कि प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित समस्त अपराध जमानती अपराध हैं। और प्रार्थी, अगला पैरा आता है यह कि प्रार्थी का पलायन होने का या गवाहों को प्रभावित या प्रताड़ित करने का कोई संभावना नहीं है, और प्रार्थी अपनी रिहाई के लिए समुचित जमानत देने को तैयार है। बस इतना लिखना पड़ता है, उसमें कोई आधार नहीं लिखा जाता, क्योंकि आरोप अपराध जमानती होते हैं। फिर नाम प्रार्थी आता है, फिर अधिवक्ता का, वैसे ही जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इसमें हम लोग गलत करते हैं, 436 में कोई भी जमानत का प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है। जो कानून अधिकांश जानते हैं, जो सब मजिस्ट्रेट्स हैं, वो जमानती अपराध में स्वतः ही ऑर्डरशीट में वो जमानत का आदेश कर देते हैं,
और राशि खोल देते हैं कि कितने राशि कितने नमाती देने हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि न्यायालय को अगर कोई पुलिस अधिकारी पकड़ के किसी को जमानती अपराध में लाता है तो निश्चित तौर पर उसको नोटिस देकर पूछना चाहिए कि आपने इसको थाने में जमानत क्यों नहीं दी और उस कारण को आपने केस डायरी में और जीडी में लिखा है नहीं लिखा। ऐसा होता नहीं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। कानून को टालना तोड़ना आदत से बन गई हम लोगों की। अब हम आते हैं गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, मैं बेलेबल ऑफेंस के बारे में इंग्लिश में बता देता हूँ। इन द कोर्ट ऑफ ऊपर जैसे लिखा है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 436 CRPC नेम ऑफ द पार्टी हिज रेजिडेंशियल एड्रेस हिज एज द पुलिस स्टेशन ऑफ हिज हैबिटेट हिज डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड सर इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द अक्यूज्ड हैज बीन डिटेन और ब्रॉट बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट in the aforesaid case that the offences alleged against the applicant are bailable, that the applicant is ready to furnish a reliable showcase for his release. Also, it is appropriate that the accused applicant be released on bail pending trial. Followed by, of course, jo maine pehle bataya, name of the applicant, his address and through counsel, date, etc. Now, important thing is that कि बगैर जमानती अपराध में हम जमानत कैसे प्रार्थना पत्र लिखें, क्योंकि अधिकार हमें नहीं है जमानत मिलने के रूप में। और आमतौर पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, मैजिस्ट्रेट के जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर्स भी 437 में बहुत सब कुछ है। अगर कोई अपराध 10 साल से ऊपर या आजीवन कारावास से दंडित है और चाहे उसमें आरोप कुछ भी हो अभियुक्त के विरुद्ध, तो उसमें वो न्यायालय जमानत नहीं दे सकती। तभी दे सकती है जब वो निष्कर्ष पे पहुंचे कि आरोपी के विरुद्ध कोई ऐसा अपराध नहीं बनता है जो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष की कारावास से ज़्यादा जितना सजा हो सकती है। और हाल ये कानून है 437 पर लिखा हुआ है। ये बात दूसरी कि मैसेज हो सकते पढ़ते नहीं है तो समझते नहीं है तो मानते नहीं है। कानून है, मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, नहीं मानते। पहला ये है कि अगर नाबालिग है, माइनर, अगर महिला है, कोई बुजुर्ग है या कोई बीमारी से ग्रसित है, गंभीर बीमारी से, तो उनको अगर वो किसी भी केस में चाहे वो सज़ा उसमें उम्र कह दो, फांसी हो 10 साल या उसके ऊपर हो, उसकी सज़ा है तो तब भी जमानत दे सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल है नाबालिगों का, उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बन गया है, लेकिन महिलाओं, बुजुर्गों और अपंग लोगों को, दिव्यांग जिसे कहते हैं आजकल, गंभीर बीमारी, उनको कोई अदालत 437 पे बेल नहीं दे रही है। निश्चित तौर पे कह रहे हो जो आज से 20-25 साल पहले दे दिया करते थे, जो उनका अधिकार था उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य। तो उसमें 437 में हम अगर न्यायालय में जाते हैं, निश्चित तौर पे अभी हिरासत में होगा, कस्टडी में होगा, तो ऊपर लिखना पड़ेगा अभियुक्त हिरासत में या एक्यूज इन कस्टडी। देन न्यायालय जो भी हो, मजिस्ट्रेट का हो 437 में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अथवा मुख्य दंडाधिकारी या विशेष, आजकल वो स्पेशल सीजन भी हैं, ये लिखा जाएगा।
उनका लिखा जाएगा और फिर शहर लिखा जाएगा, फिर एक्यूज, उसको अभियुक्त का नाम, हिज एज, उम्र, हिज पेरेंटेज, पिताजी का नाम, हिज एड्रेस, हिज हैबिटेट, परमानेंट एड्रेस, उसका पता, स्थाई पता, एंड द पुलिस स्टेशन ऑफ दैट हैबिटेट, उसके निवास का थाना और जिला, और बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ऑफ कोर्स एंड उत्तर प्रदेश सरकार, एंड इफ द सिचुएशन, इफ द एक्ट रिक्वायर्स, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, हिज एड्रेस, हिज नोन मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, वादी या वादनी जिनको नोटिस दिया जाना अनिवार्य कुछ एक्ट के अंतर्गत, उनका नाम पता हो और फोन नंबर वगैरह, देन इट इज फॉलोड बाई द ऑफेंसेज विच आर एसर्टेड और अलेज्ड अगेंस्ट यू अंडर सेक्शन IPC होगा और अदर एनी अदर एक्ट, जो भी एक्ट होगा, आर्म्स एक्ट हो सकता है, इट कैन बी एक्साइज एक्ट, इट कैन बी कस्टम्स एक्ट, इट कैन बी GST एक्ट, इट कैन बी अंडर IT एक्ट, इट कैन बी अंडर कंट्रीब्यूट एक्ट, इट कैन बी अंडर MDA एक्ट, जो भी हो, then the case crime number, then the police station, followed by the bail application. अब चलिए इसके आगे की बात बताता हूँ मैं आपको अगले अपने ब्लॉग में, क्योंकि विस्तार से बताना पड़ेगा और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, बिकॉज स्टिल English is generally, that is the language of the courts, especially those students who have passed from convent schools, public schools, anyone otherwise, English mein drafting hoti hai. Behtar to ye hoga ki Hindi mein लेखन शुरू हुआ, लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है. तो अब कैसे लिखे जाएंगे विभिन्न परिस्थितियों में? परिस्थिति कई तरह की हो सकती है. एक तो आपके खिलाफ अगर कोई ऐसा केस है जिसमें 10 साल की सजा या तो ऊपर सजा है, जिसमें मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है, मेरा मानना यह है कि ऐसे मामलों में सीधे सत्र न्यायाधीश के यहाँ या हाई कोर्ट में भी बेल लगाई जानी चाहिए. बट वॉट एवर हाई कोर्ट रूल्स सेज, आई डोंट नो व्हाई. By their basing the time of the court and even the people at large. Ye kyun hai that the lower court should be moved first? Why an accused, ek abhiyukt, jisme murder ka charge, jisme dakaiti ka charge hai, jisme 394 hai, 460 hai, 409 hai, 326 hai, 396 hai, 395 hai, 124 hai, jisme magistrate ki taakat nahi hai, does not have the authority to grant bail, why the time should be wasted of that magistrate as well as the lawyer, as well as the client, as well as the court? Why not? At least in UP, the bail applications under heinous crimes in which the magistrate court cannot grant bail should not be moved before the session judge. And why not before the Honorable High Court? High Court and session judge both have similar powers. Why not? Why we are restricted? Why we are increasing dependency? आप आइए सिद्धि का लो कोर्स, खाली बिल खर्च करने के लिए वहां पर लाइन लगी रहती है अधिवक्ताओं की. ये सिस्टम गलत है और बंद होना चाहिए मेरे ख्याल से. अब जो परिस्थितियां होती हैं बेल एप्लीकेशन की, या तो आप जैसे मैंने बताया ना, हीनेस ऑफेंसेस, यू नो दैट यू विल नॉट गेट द बेल फ्रॉम द मजिस्ट्रेट बिकॉज ही डज नॉट हैव द पावर टू ग्रांट यू बेल. छोटी एप्लीकेशन दैट द अक्यूज्ड हैज बीन फॉल्स, दैट द अक्यूज्ड हैज बीन फॉल्सली इंप्लिकेटेड इन द एफोरसेड केस ड्यू टू एनविटी, दैट देयर इज नो प्लॉजिबल एविडेंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट, दैट द एप्लीकेंट हैज नथिंग टू डू विद द एफोरसेड क्राइम, दैट देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ द एप्लीकेंट्स फ्लीइंग फ्रॉम जस्टिस और टेम्परिंग विद द विटनेसेस और डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस, that the applicant is not a previous convict, that the
applicant is ready to furnish revised surety for his lease before the London Lower Court. It is therefore prayed that the accused applicant be released on bail pending trial. उसमें आप लिखिए एक्यूज का नाम, डालिए अपना नाम, लगाइए मोहर अपनी एंड गेट द पासपोर्ट, जो वर्ड यूज किया जाता है जनरली मजिस्ट्रेट से, एंड प्रिपेयर द बेल एप्लीकेशन फॉर सेशन जज। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज दोनों एक आदमी होते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑनली फॉर सिविल लॉयर्स, सेशन जज इज ऑनली फॉर क्रिमिनल लॉयर्स। That is the basic difference. I never call them district and session judge. I always call them or refer them as सत्र न्यायाधीश और सेशन जज। और आप भी यही क्या कीजिए, न्यायिक दंड अधिकारी होता है, उधर सिविल जज होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो आप समझते होंगे, नहीं समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में कैसी बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी चाहिए जहां पे आपके विरुद्ध या तो आप सरेंडर किया कोर्ट में, या फिर आप पुलिस के द्वारा पकड़े गए, यू हैव यू आर अरेस्टेड बाय द पुलिस, डिटेन्ड बाय द पुलिस, इंटरोगेटेड बाय द पुलिस, एंड देयर वाज सम रिकवरी अंडर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, और एट द टाइम ऑफ अरेस्ट सम रिकवरीज वर मेड अगेंस्ट फ्रॉम यू बाय द पुलिस, एंड द रिकवरीज ऑफ दोज सब्सटेंसेस अमाउंटेड टू क्रिमिनल एक्ट, और यू आर अरेस्टेड इन एनी कॉग्निटिव ऑफेंस एट दिस स्पॉट विद द आर्म्स और विदाउट द आर्म्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो हर एक की मैं बताऊंगा कि किस तरह से किस में बेल एप्लीकेशन लिखी जाएगी, रिकवरी वाले केस में, स्पॉट अरेस्ट वाले केस में, आप अपने आप कोर्ट में सरेंडर किया है तब, 406 में है तब, फूड एमेजमेंट पे है तब, एंड 324 में है तब, बिकॉज 324 इज नॉन वेरेबल नाउ, 506 इज नॉन वेरेबल नाउ, आर्म्स एक्ट, इन सब में हाउ टू ड्राफ्ट एप्लीकेशन, हाउ टू प्रिपेयर एप्लीकेशन, मैं आपको बताऊंगा बाद में। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अनिल बख्शी, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेरे। थैंक यू।